हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज निकेश एंड यू आर वाचिंग एनएस मोटो व्लॉग्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सारे बढ़िया होंगे, बढ़िया कर रहे होंगे। तो भाई लोग, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ हाउ टू स्टार्ट मोटो व्लॉगिंग। अगर आप एक मोटो व्लॉगर बनना चाहते हो और चाहते हो साथ ही साथ आप भी अपना एक यूट्यूब पर चैनल बनाओ, तो आज के वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा एंड तक देखना। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोग, बात करते हैं आज के मेन टॉपिक की, जो कि है हाउ टू स्टार्ट मोटो व्लॉग। तो यार, मोटो व्लॉगिंग इज़ नॉट दैट मच टफ एंड एट द सेम टाइम इज़ नॉट दैट मच ईजी एज वी थिंक। तो सबसे पहले मोटो व्लॉग स्टार्ट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, व्हाट आर द नेसेसरी इक्विपमेंट्स दैट वी मस्ट हैव, एंड द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ अ मोटर बाइक और स्कूटी, कुछ भी। मोटो व्लॉगिंग करने के लिए आपके पास एक मोटरसाइकिल तो होनी चाहिए, चाहे बाइक हो, स्कूटी हो, कुछ भी हो। तो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट मैंडेटरी थिंग। और उसके बाद आती है दूसरे नंबर पे एक एक्शन कैमरा, एक्शन कैमरा कह लो या फिर आप मोबाइल फ़ोन कह लो, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो मोबाइल फ़ोन से भी मोटो व्लॉगिंग करते हैं। लेकिन आपको ना यहाँ पर एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि वाई डू वी नीड एन एक्शन कैमरा, हमें एक्शन कैमरा ही क्यों चाहिए, फ़ोन से क्यों नहीं करना चाहिए। तो भाई, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे ओपिनियन से इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि आप मोटो व्लॉगिंग करना क्यों चाहते हो। वाई डू यू वॉन्ट टू बी ए मोटो व्लॉगर? जस्ट फॉर अ टाइम पास, और आपका पैशन है और आप ये करना चाहते हो। आपको, आपने YouTube में बहुत से वीडियोस देखी है और आपको देख के अच्छा लग रहा है, आप इसलिए करना चाहते हो। तो पहले बात आप समझो कि आप किस लिए करना चाहते हो। अगर जस्ट हाँ, आप एज अ टाइम पास आपने वीडियोस देखी, आपको बहुत अच्छा लगा और आप जस्ट बेसिक स्टार्ट करना चाहते हो, करके देखना चाहते हो कि कैसा लगता है, और आपके पास बजट नहीं है, तो आप ऑफकोर्स मोबाइल से या फिर सस्ते एक्शन कैमरा से स्टार्ट कर सकते हो। बट यहाँ अगर आप एज ए प्रोफेशनल स्टार्ट करना चाहते हो और चाहते हो कि मैं मोटो व्लॉगिंग करूं अच्छे से, तो भैया विदाउट एनी डबल थॉट गो फॉर ए GoPro। तो भाई लोग, यहाँ पे एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि व्हाई डू वी नीड अ GoPro ओवर अदर एनी एक्शन कैमरा एंड मोबाइल फोन। तो भाई लोग, इसके मेजर दो ही रीजन है कि GoPro की तरफ क्यों जाना चाहिए, और वो है इसका वाइड एंगल व्यू एंड वीडियो स्टेबिलिटी। ये दोनों ही फीचर्स क्या है, आइए समझते हैं। तो भाई, जो वाइड एंगल व्यू GoPro में मिलता है ना, मैं लिख के देख कह सकता हूँ कि किसी और भी कैमरा में नहीं मिलता। अभी वाइड एंगल आप खुद कंपेयर कर लेना आप किसी फ़ोन के और GoPro के। अभी आपको जो व्यू दिख रहा होगा ना चारों तरफ, जैसे मैं रोड के सेंटर पे राइड कर रहा हूँ, तो इवन रोड के कॉर्नर्स भी फ्रेम में आ रहे हैं, आप देख सकते हो। बाइक लोअर पोर्शन रोड से लेके ऊपर तक का व्यू अच्छे खासा कवर हो जाता है वाइड एंगल से। तो सबसे पहला रीज़न है GoPro की तरफ जाने का, वो तो इसका मैंने बता दिया आपको, वाइड एंगल व्यू। और जो सेकंड मोस्ट रीज़न है वो है इसके हाइपर स्मूथ स्टेबिलिटी। मतलब आप जब भी कैमरा को अपने हेलमेट पे माउंट करते हो ना, या फ़ोन को माउंट करते हो, और जब आप राइड करते हो, तो ऑफकोर्स वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो उन वाइब्रेशंस के कारण क्या हो पाता है ना, जो वीडियो की स्टेबिलिटी होती है वो सही नहीं आ पाती है। सही नहीं क्या, बहुत ही घटिया आती है, बहुत ज़्यादा मतलब हिलता है वो। लेकिन वही अगर आप GoPro यूज़ कर रहे हो ना, तो आप खुद देख लो, आप खुद मेरे वीडियोस पे भी देखते होगे कि वो स्टेबिलिटी बहुत सही होती है। मतलब भाई, मैं खुद शॉक्ड था जब मैंने फर्स्ट टाइम इसकी स्टेबिलिटी देखी थी। तो दीज आर द मोस्ट टू रीजंस दैट वाई शुड वी गो फॉर अ GoPro। तो सिर्फ ये दो इक्विपमेंट नहीं है कि हाँ, मेरे पास एक बाइक हो गई और एक कैमरा हो गया तो हमारा काम बन जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसके साथ साथ आपको और भी चाहिए, और क्या क्या चाहिए, एक्सेसरीज ऑफ GoPro या फिर एक्सेसरीज ऑफ एनी एक्शन कैमरा। तो भाई, उसके बाद जो आता है तीसरे नंबर पे, जो सबसे मेजर चीज़ है, वो है एक माइक। ऑफ कोर्स एक बढ़िया माइक जो सराउंडिंग्स की विड नॉइज़ को कैंसिल करते हुए आपकी वॉइस को अच्छे से कैप्चर करे, ऐसा माइक। तो भाई, मेरा खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है ना, मैंने GoPro से पहले SJ कैम का एक ट्रायल बेसिस लिया था। तो उस पर क्या हुआ था ना, उस पर मैंने एक्सटर्नल माइक लगाया और उसको बहुत टेस्ट किया,
बट उसमें मेजर इशू क्या आ रही थी ना, जब भी मैं राइडिंग के टाइम मतलब मोटो व्लॉगिंग कर रहा था तो ऑडियो में ना बहुत ज़्यादा विंड नॉइज़ आ रहा था, बहुत ज़्यादा। मैंने बहुत यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं, बहुत से उसके सॉल्यूशंस देखे कि कैसे मैं विंड नॉइज़ को कैंसिल कर सकूं। इवन डेड कैट लगा के देखा उस पर, बहुत सारे देसी जुगाड़ करके देखा जो मैंने यूट्यूब वीडियो से सीखा था, बट एट द एंड ना मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिला उसका। हाँ, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ रहा था ऑडियो क्वालिटी में, बट मतलब एक ऐसा क्वालिटी जो सुनने में अच्छा लगे, साफ लगे, जिस तरह की क्वालिटी इस GoPro में मिलती है वैसा ना क्वालिटी मुझे मिल ही नहीं पा रहा था, तो मैं यार बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हुआ। और गाइस एक बात का ना बिल्कुल ध्यान रखो, मोटो व्लॉगिंग, अगर आप मोटो व्लॉगिंग कर रहे हो ना तो आपकी वीडियो से भी कहीं ज़्यादा जो मायने रखता है ना वो है आपकी ऑडियो क्वालिटी। क्योंकि ऑफकोर्स वीडियो चलो यार थोड़ा बहुत वाइड एंगल कम भी दिख रहा हो, थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी नहीं भी हो, लेकिन अगर आपकी वॉइस प्रॉपर आ रही हो ना, ऑडियो क्वालिटी प्रॉपर आ रही हो, लोगों को सुनने में अच्छा लग रहा है, तो वो इंटरेस्ट आएगा कि आपकी वीडियोस को देखे सुने। लेकिन अगर आपकी ऑडियो क्वालिटी ही सही नहीं है ना, तो यार यकीन मानो कोई भी वीडियो आपकी वीडियोस को ज़्यादा देर नहीं देखेगा, ओपन करके एक आध मिनट देख के वो उसको बंद ही कर देगा। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप अपनी ऑडियो क्वालिटी पर ध्यान रखो। तो अगर आप GoPro के लिए जा रहे हो एंड यू आर प्लानिंग टू बाय GoPro, तो भाई साहब आपको सिर्फ GoPro नहीं लेना है, GoPro के साथ आने वाले कुछ एक्सेसरीज तो आपको लेके ही रखने हैं। तो वो और वो एक्सेसरीज क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। ओए होए, तो सबसे पहला तो हो गया हमारा GoPro। GoPro के साथ आपको लेना होगा एक माइक अडेप्टर। जी हाँ, माइक अडेप्टर अब क्यों चाहिए भाई, जैसा मैं बताया था आपको लगाना है एक्सटर्नल माइक, तो आप GoPro पे ना ये डायरेक्ट माइक नहीं लगा सकते, आपको चाहिए होगा एक माइक अडेप्टर। तो भाई सोच रहे होगे इतने महंगे माइक अडेप्टर का मतलब क्यों लेना, कुछ जुगाड़ कर सकते, तो भाई मेरी बात मानो, कोई जुगाड़ मत करो, चुपचाप ये महंगा है लेकिन ले लो। क्यों? क्योंकि मैं रीज़न बताता हूँ। क्योंकि भाई ये जो अपना माइक अडेप्टर है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से नॉइज़ कैंसिल करता है। ये सिर्फ आप क्या बोल रहे हो, आप जो बोल रहे हो उसी को अच्छे से कैप्चर करेगा, और विंड नॉइज़ तो भाई ना के बराबर कैप्चर करता है। इवन अगर आप अपने हेलमेट के वाइज़र को ओपन करके भी 80-90-100 की स्पीड पे भी राइड कर रहे हो ना, फिर भी ये आपकी वॉइस को बहुत ही प्रॉपर तरीके से कैप्चर करता है। तो भाई इस फीचर से तो मैं तो दीवाना हो गया इस माइक अडेप्टर का। थोड़ा महंगा है ऑफकोर्स, थोड़ा नहीं बहुत महंगा है, मतलब 4,500 का सिर्फ माइक अडेप्टर, समझ रहे हो, माइक भी नहीं, सिर्फ माइक अडेप्टर अगर 4,500 आप पे कर रहे हो तो ऑफकोर्स महंगा तो है, लेकिन भाई सही है। और ये सब ना गाइस वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आप सोचो मत, मतलब सोचो ऑफकोर्स, लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो यार एक बार के लिए तो आपको करना पड़ेगा खर्चा, लेकिन ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद आपको फिर नहीं सोचना पड़ेगा। तो भाई अब हमारे पास हो गई, आ गई बाइक, हमने ले लिया GoPro का एक्शन कैमरा, सारे एक्सेसरीज भी ले लिए, माइक अडेप्टर, ओह माइक तो लिया ही नहीं। तो भाई जो सबसे एक और मेजर एक्सेसरीज है वो है माइक। जी हाँ, माइक। तो अगर आपने GoPro का माइक अडेप्टर ले लिया है तो फिर आप माइक तो कोई सा भी यूज़ करते हो, हाँ, क्योंकि माइक अडेप्टर अगर एक बार आपने ले लिया ना तो उसके बाद कोई सा भी माइक यूज़ करो वो अच्छे से ही काम करेगा। तो फिर भी आप सेफ साइड के लिए बोया का माइक ले सकते हो, 700-800 में आ जाता है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, लेकिन वो बेस्ट माइक है, बहुत सही माइक है बोया का, और काफ़ी सही रहता है। बहुत से यूट्यूबर्स मोटो व्लॉगर्स उसी को यूज़ करते हैं, बोया के माइक को, तो आप ले सकते हो बोया का माइक। तो भाई अब हमारे पास आ गई बाइक, ले लिया हमने एक्शन कैमरा, उसके साथ ही साथ उसके सारे एक्सेसरीज भी ले लिए, माइक अडेप्टर ले लिया, बोया का माइक ले लिया, अब तो हम बन गए ना मोटो व्लॉगर। तो जी नहीं गाइस, जो एक और सबसे मेजर इम्पॉर्टेंट थिंग है मोटो व्लॉगिंग के लिए, वो कोई एक्सेसरीज नहीं है, वो आपकी पर्सनल एबिलिटी है, और वो है ये कि आप लाइव कमेंट्री, आप कितना बेटर लाइव कमेंट्री कर सकते हो।
क्योंकि यार, और ये चलो आप पे नहीं भी है तो धीरे धीरे आप सीख जाओगे, लेकिन किसी भी एक लॉन्ग टर्म मूडो ब्लॉगर के लिए ना, अगर आप मूडो ब्लॉगिंग एज ए प्रोफेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो लाइव कमेंट्री आना ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। कोई भी व्यूअर जब आपको देख रहा है ना तो उसको इंटरेस्ट आना चाहिए आपकी बातें सुनकर। यू नो, आप कहीं से भी जा रहे हो, कुछ भी जा रहे हो, कुछ भी बातें कर रहे हो, तो वो बातें सुन के जो व्यूअर्स आपकी वीडियो को देख रहा है उसको इंटरेस्ट आना चाहिए। और लाइव कमेंट्री में आप कुछ भी कर सकते हो यार। ऑफ कोर्स आप कहीं पे भी जा रहे हो, टूर पे जा रहे हो, राइड पे जा रहे हो, तो जहाँ जा रहे हो उस जगह के बारे में बताओ, जो जो चीज़ें आपको आसपास दिख रही है वो सब बताओ, जो जो आप फील कर रहे हो वो सब बताओ। तो लाइव कमेंट्री कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, मतलब आप एक बार स्टार्ट करोगे तो ऑफ कोर्स खुद सीख जाओगे। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू इफ़ यू वॉन्ट टू स्टार्ट मोटो ब्लॉगिंग। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और हाँ, अगर कुछ और क्वेरीज हैं आपकी, कुछ और आप पूछना चाहते हो, कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स, आप उस पर कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप गाइज आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। अगर आपको अच्छा लगा है देन प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड आप चाहते हो मैं आगे भी आप सभी के लिए ऐसे ही वीडियोज लाता रहूं देन सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।